दोस्तों उत्तराखंड फर्स्ट का एग्जाम में काफ़ी बड़ी मात्रा में धांधली हो रखी थी। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मंत्री हैं, सीएम है, और यहाँ पे योग्यता परिषद का जो सचिव है, और यहाँ पे आयोग का अध्यक्ष है, और उन सभी ने यह माना कि भर्ती प्रक्रिया में कोई भी यहाँ पर धांधली नहीं हो रखी, ना यहाँ पर नकल करवाई गई थी। आपको बता दूं कि जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर पकड़ा गया था, उन अभ्यर्थियों ने खुद का बोला है कि नकल हमने करवा रखी थी और काफ़ी पैसे भी यहाँ पर ले रखे थे, और खांसने से जो है आंसर बताया जाता था, यहाँ पर खुद उसने यहाँ पर कबूल कर रखा है। लेकिन आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी यहाँ पर मंत्री हैं, उनका कहना यह है भर्ती में बिल्कुल भी यहाँ धांधली नहीं हो रखी है, और ये जो है पारदर्शिता, बिल्कुल पारदर्शिता से भर्ती हो रखी है। तो इसी के लिए जो है योग्यता परीक्षा के और बयानों से, और यहाँ पर मंत्री के बयानों से काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हैं। और आपको बता दूं कि इसी वजह से 25 फरवरी को यहाँ पर इसके लिए जो है महारैली आयोजित की जा रही है देहरादून में परेड ग्राउंड पर। तो अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पर पहुँचना है, ताकि जो है इस चीज़ का यहाँ पर विरोध करें, और जो अभ्यर्थी यहाँ पर विरोध करना चाहता है बिल्कुल यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जो भी नज़दीक के अभ्यर्थी हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर कह रखा है इन्होंने, और कब तक जो है यहाँ पर कहाँ पर कैसे आपको रैली आयोजित किया जाएगी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, अपन बेरोजगार 25 फरवरी को करेंगे सचिवालय कूच। तो अपने हक़ के लिए बेरोजगार जो है महारैली करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में सामने आई गड़बड़ी के विरोध में बेरोजगार 25 फरवरी को सचिवालय कूच करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेरोजगार संघ और महासंघ है, ठीक है, दोनों गठन जो है 25 फरवरी को 11 बजे सचिवालय कूच करेंगे। इससे पहले सभी बेरोजगार सुबह 10 बजे परेड ग्राउंड में एकत्रित होंगे। तो देख सकते हैं 10 बजे सभी को एकत्रित होना है, और 11 बजे है यहाँ पर चल देंगे। विरोध रैली में प्रदेश के सभी जिलों से युवा शामिल होंगे। देख सकते हैं सभी जिलों से होंगे, और बेरोजगारों की मांग है कि फॉरेस्ट का भर्ती परीक्षा निरस्त की जाए। तो यहाँ पर निरस्त करने के लिए इन्होंने रैली निकाली की है। 100 दिन के भीतर दोबारा से परीक्षा करवाई जाए, ऐसा यहाँ पर लिखा है। 100 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर लिखा है बैठक में, जो कि यहाँ पे देखते हैं इनका नाम लिखा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं 25 फरवरी को जो है महारैली आयोजित किया जा रहा है, और 10 बजे परेड ग्राउंड पर जो है एकत्रित होने हैं, और 11 बजे जो है सचिवालय की ओर चल देंगे। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हैं योग्यता परीक्षा और यहाँ पर सरकार से, क्योंकि आपको बता दें कोई भी निर्णय यहाँ पर सही डिसीजन नहीं ले रखा है उत्तराखंड की ओर से, और जब भी ले रखा अपने पक्ष में यहाँ पर ले रखा है, कहा है कि भर्ती परीक्षा बिल्कुल नहीं रुकी जाएगी, और भर्ती में कोई धांधली नहीं हो रखी, यही है। 2-3 बार यहाँ पर योग्यता परीक्षा ने यहाँ पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। तो इसी को मनाने के लिए, ये भर्ती परीक्षा को रोकने के लिए और इसकी परीक्षा दोबारा करवाने के लिए ये रैली का आयोजन करवा रहे हैं। क्या पता इसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया जो है दोबारा हो सके। देखते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में क्या होता है। ये रैली निकाल रहे हैं 25 तारीख को, तो अधिक से अधिक संख्या में जो है अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।